आप देख रहे हैं KNN न्यूज़ लाइव। मैं हूं माहम तारक। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी का ऐलान कर दिया है। कौम से अपने खिताब में उन्होंने ये ऐलान किया कि डीजल की कीमत में 40 रुपए 54 पैसे कमी कर दी गई है, पेट्रोल की कीमत में 18 रुपए 50 पैसे कमी की गई है। डीजल की नई कीमत 236 रुपए और पेट्रोल की नई कीमत 230 रुपए 24 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलात रात 12 बजे से हो गया है। अपने खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF से माहदा हो गया है, खुदा करे ये IMF से होने वाला आखिरी माहदा हो। रिटायर्ड जस्टिस मोहम्मद अली सैयद आज 96 वर्ष की उम्र में खालके हकीकी से जा मिले। अपने तवील पेशावराना सफर में उन्होंने हमेशा अदालती काबिलियत, फिक्री, इखलाकी इकदार और पेशावराना साबता इखलाक का दामन इंतहाई मजबूती से थामे रखा। मरहूम की नमाज जनाजा बिलाल मस्जिद मोहम्मद अली सोसाइटी में अदा कर दी गई। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने जिस दिन सच बोला वो दिन उनकी सियासत का आखिरी दिन होगा। लाहौरियों ने परसों दुरुस्त फैसला दिया तो सारी बातें धड़ी रह जाएंगी। शेख रशीद ने मजीद कहा कि राणा सनावला ने आर्टिकल 6 की बात की, ये कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। मजीद कहा कि हम इमरान खान की मुहिम चला रहे हैं और उनके साथ हैं। शरीफ साहब ने सच बोला उस दिन उनकी सियासत का आखिरी दिन होगा। और ये 13 रुपये मेरा ख्याल है पेट्रोल बढ़ाया है। आर्टिकल 6 के वाले से जो कल एक इजाफी नोट आया उसके ऊपर बड़ा बवाल है। करके बताएं ये इजाफी नोट है, कोई फैसला नहीं है लोगों को। आर्टिकल 6 लगा तो किस चीज पर लगना चाहिए? इंशाल्लाह आर्टिकल 6 तो क्या आर्टिकल के नज़दीक बात ही नहीं आएगी। लाहौर वालों ने अगर कल सही फैसला दे दिया परसों तो ये सारी बातें दरी रह जाएंगी। और इमरान खान पे आर्टिकल 6 ये कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, ये सारी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये उजरती कातिल और ये मंशियात फरोश राणा सनाउल्ला, उसने आगे कहा कि हम आर्टिकल 6 पे बात करें, उसका बाप भी नहीं कर सकता। हिम्मत है तो करके दिखाओ। शेख साहब लाहौर में कितनी सीटें देख रहे हैं पूरे पंजाब? मुझे पंजाब की सीटों का अल्लाह को पता है। हम तो कंपेन कर रहे हैं इमरान खान की और उसमें साथ है। खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें KNN न्यूज़ लाइव।